गाइस ये है हमारा न्यू ब्लॉग जिसको अपन स्टार्ट करेगा और ये आ गई हमारी अनायशु अदम और इसको ना इतनी शरारती है कि ये सबसे पहले उठ के रेडी हो गई और जैसे हर जगह जिम 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 और से अभी भी यू भी नहीं पता है शादी में जा रही है। अभी तो सिर्फ फिलहाल पता है कि हम शादी में जा रहे हैं मतलब पूरा दिन जिम जिम जिम। तो अभी अनायशु रेडी हो चुकी है फॉर मैरिज खेल दिया मेरे साथ आयशु नो एक भी लोग दिन में शादी क्यों करते हैं ऊपर से इतनी गर्मी में पता नहीं क्यों करते हैं ज्यादा समझ में नहीं आता। ये रही मम्मा आप क्या कर रहे हो मम्मा रेडी होकर बैठी पार्टी में जा रहे हैं। आयशु आपके हेयर किसने बनाया है मम्मा कैसे लगा अनायशु को तो हर टाइम मस्ती चाहिए होती है। सर आप ही रह रखे हो हम लोग लेट होने वाले हैं। कितनी देर से मैं आपके 5 मिनट सुन रही हूँ आपके डैडी को कितनी देर से बोल रही हूँ रेडी हो जाओ। सबसे ज्यादा लेट कौन होता है डैडी। देखो मम्मा सबसे ज्यादा काम करती है ना घर पे सारा वर्क फिनिश हो गया है मैंने दोनों बच्चों को देखो क्यूट क्यूट बेबीज बना दिया मुझे भी मम्मा लेकिन अभी क्या हालत हो रखी है मैम आप खुद तो रेडी हो गए हो हमें रेडी होने का टाइम ही नहीं दिया आपने। आप होते ही नहीं हो यार 5 मिनट सुबह से देखो क्या टाइम हो गया है। अभी देखो क्या स्मार्ट बॉय बन के आता हूँ जब भी कहीं जाते हैं हाँ। या तो मतलब लेडीज लेट कराती हैं और आप मेरे को लेट करा देते हो तो मैं यार काम कर रहा था ना काम वर्क इज वर्शिप मेरे से भी ज्यादा। यस देखो हम कितनी देर के रेडी हो रहे हैं अभी भी तब बोला था कि मैं अभी थोड़ी देर में वो रेडी हो जाऊंगा और अभी भी शूज तक नहीं शूज पहन रहे हैं बेटा लेकिन बहुत ज्यादा लेट हो रखे हैं। मम्मा ने लेट कराया किस मम्मा कितनी देर से रेडी है हाँ ऐसे कौन करता है मेरी जान मम्मा से यार रानी इतनी गर्मी में शादी कौन करता है भाई मुझे भी नहीं पता डैडी कौन करता है और जाना भी पड़ता है नहीं तो ये कहेंगे कि आनिक तो भैया बड़ा यार अभी से इतनी धूप है देखियो यार देखियो कैसे काम होगा अब कैसे यार इतनी गर्मी में देखियो यार कैसे शादी होगी चश्मा लगाना पड़ेगा मुझे भी है ना है ना सबसे पहले बैठती आके जी है ना मेरा चश्मा दे दो मुझे तो ये क्या मेकअप किया हुआ तुमने गर्मी उम्मीद है ये एक इंच की परत लगा ली या पसीने में रास्ते में उतर जाएगी नहीं है नहीं लगा चलो जल्दी है गर्मी हो रही है आओ आओ बेटा किसका है आपको कहाँ से मिला ये यहीं में रखो भाई साहब नोट गिन रहे हो वेरी गुड हेयर स्टाइल एक नंबर का हो रहा है गांधी जी है जो कुछ है जब गांधी जी आते रहेंगे मोटिवेशन पूरा रहता है। यस आपके से चढ़ के पिछली सीट कौन है उसमें थार में नहीं अभी और यूं देखना टेस्ट ड्राइव तो ले ले पहले आजकल यूपी हो या दिल्ली हो या हरियाणा देखो हरियाणा जैसी तो सड़कों की बराबरी होगी नहीं लेकिन ये फेरी फेरल से अब हम बागपत की तरफ जा रहे हैं ये बहुत बढ़िया बना हुआ है। ओ जी 5 मिनट पे 20 कितने किलोमीटर आ गए होंगे हाँ इतने ही आ गए होंगे और भी मेरे साथ ना ये 5 बार हो चुका है क्योंकि तो गाड़ी एवरेज सही देती है और लंबा ट्रिप होता नहीं अभी इसमें देखो दिखा रहा हूँ कितना रह गया 3 किलोमीटर का पेट्रोल पंप मिला है नहीं तो खत्म था मामला बातों में इन्होंने ध्यान ही नहीं देने दिया ये मेरे बच्चे इतने बढ़िया है भैया जी भरतौली तो गाड़ी बंद हो जाएगी गर्मी बहुत है ये छोटी छोटी सड़कों पे बड़े बड़े जो जाम लगते हैं बड़ी मुश्किलों से निकले हैं और हमारे भैया जी देखिए बाल बिल्कुल मिथुन चक्रवर्ती वाले लेके चल रहे हैं। तो भाई आ गए हैं गाँव में और क्या गजब की गर्मी है गजब तोड़ हो रहा है गर्मी का तोड़ बाल कैसे लग रहे थे आपने ऐसा लग रहा है गांव में आती आज ही कटवा लूं ये बड़े बाल है ना जो फेस पे आए थे हवा चलती है ना बैस ऐसी मालिश कर दी तो पागल अभी करता हूँ खाना खा ले गर्मी में खाना भी नहीं खाया जाता मन ही नहीं करता खाने का गर्मी में
पिछले व्लॉग में डाइटिंग की बात कह रही थी, तू रसगुल्ले देखियो चार हैं? मेरे नहीं। ऐसी बोलती है ना अभी कि कौन खा रहा है, कौन सा खेल खेल रही है, है? कौन सा खेल खेल रही है? तो गाइस गांव में आओ और नीम के पेड़ के नीचे ना लेटो, ना मजा ही नहीं आता। आके आ गया पीछे बैठ भी तेरा पूछ मार देगी ये वीडियो बनाओ ए वो मार दी आए गाइस सॉरी अभी। अनायशा कितनी खुश है मैं दिखाता हूँ। अनायशा क्या कर रही है बेटा? अनायशा क्या कर रही है? अभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी देख रहा है गाँव में करो तो शादी करो, दिन में मत करिए और गर्मी में मत करिए। नाना जी आपने कितनी सर्विस करी? 30। अंग्रेजी भी आवा आपको तो? आप यहाँ इसमें जब किस्मत है साउथ दिल्ली में जब क्या थे आप रैंक आप सूबेदार मजा आए पूरे एम टी के इंचार्ज थे। हमारे चचा जान है और चचा जान की उम्र कम होती जा रही है, हमारी बढ़ती जा रही है, क्या चक्कर है? क्या मौसी क्या कर रही है? छोड़ दो जवान हो देखो नहीं। हाँ भाई तो आपकी उम्र कम लगती जा रही है, हमारी बढ़ती जा रही है, क्या कह रहे हो? मैन इन प्लान आदमी ऐसा केक खाओ जब तुम्हारी उम्र अब आप कितने साल के हो गए? 63-64 पता कौन कह देगा इस आदमी को 63-64-49 एक वो पीछे खड़े 60 मैं कह रहा हूँ तुम्हारी उम्र घटती जा रही है यहाँ बढ़ती जा रही है। ऐसे होता है घटती है और बुढ़ापा बढ़ता है। कुत्ते तुझे गोदी में खिलाया हुआ मैंने, ये दाढ़ी के बारे में नहीं बोलेगा ठीक है? गोदी में खिलाया हुआ बड़ा हो गया तो मतलब हम थोड़ी बड़े हुए हैं, छोटे ही हैं। ये देख लो बूढ़े नाक की। थैंक यू बेटा। शेर बेटा वो मजाक में तू तो 110 साल का हरदम सोई साल में लग रहा है। अरे मगा तू मजा कहीं देखो आज एडमिट किया दो दिन एक हफ्ते पहले वहाँ पे पकौड़ी की पार्टी कर रखी थी गाँव में एक हफ्ते पहले। एक हफ्ता 10 दिन हो गए मैं अपने हाथ से कोल्ड ड्रिंक पी आई थी। अरे कम से कम नहीं ना तो 10-15 कोल्ड ड्रिंक ग्लास डेली पी ना, खांसी ना जुकाम ना फेफड़े की प्रॉब्लम। देखो भाई यहाँ पे बहुत ही गुरु लतीफ पहलवान है जिन्होंने संग्राम भाई का हाथ ठीक कर दिया। अब मुझे पता नहीं संग्राम भाई को चोट कब लगी थी, दोनों हाथ में लग रही है। कहीं रुकी नहीं ना, बहुत ठंडी हो रही है बाहर, देखो कैसे आग लग रही है। और यार थकान बहुत ज्यादा हो गई थी फिर जाके लेट रहा हूँ। दिन में शादी मत कराया करो भाई प्लीज, बिल्कुल भी नहीं जाना पड़ता है, जरूरी होता है सारी चीजें, मेरे मजा आ गए सारी चीजें हैंडल करनी जरूरी है। और डैडी मेरे मजा आ गए।